पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा और काही बिगाड़ते और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां न तो कीड़ा और न काही बिगाड़ते हैं और जहां न चोर सेंध लगाते और न चुराते, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। प्रभु इस वचन पे आशीष करें, हम बैठ जाएंगे और परमेश्वर की महिमा स्तुति करेंगे। आइए हम फिर से उसी हम संदेश को लेंगे, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। आज हम इस वचन के द्वारा जो परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर का गौरव और महिमा और स्तुति करेंगे, उसके नाम की जलाली करेंगे, उसके नाम की आराधना करेंगे और उसके नाम की प्रशंसा स्तुति और जय जयकार करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है, क्योंकि आज संसार का धन जो बहुत ही जो ऐसे संसार धन के पीछे, संपत्ति के पीछे और अपने ऐसे सारे बातों के पीछे चल रहा है जो कि परमेश्वर के वचन को बाजू करके, क्योंकि परमेश्वर के संदेश को बाजू करके, यीशु मसीह को बाजू करके, नबी का संदेश इतना स्पष्ट दिया गया हुआ संदेश जिसको हम जानकर भी इन सारे बातों को हम संदेश के बजाय अपने धन और संपत्ति को और भी बातों को हम ज्यादा महत्व देते हैं। इसलिए परमेश्वर ने अपने दास नबी के द्वारा हम सबको इन सारे समय के अंदर जो हम रह रहे हैं बहुत ही हमारी सहायता की, हमें मार्गदर्शन किया और हमें इसमें से बाहर निकलने के लिए उन्होंने बहुत सारी बातों की, बहुत बातों में हमें मतलब बहुत सारी बातों को सिखाया और हम प्रभु का धन्यवाद देते। मेरे प्रिय भाई बहनों, कि ये जो धन है, जो संसारिक धन, जो संसार का धन जो संसार में प्राप्त हुआ और इसके लिए परमेश्वर, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दो धन है जो सोना चांदी घर संपत्ति जमीन और बहुत सारी जायदाद और बहुत सारी जो जो चमकने वाली और दिखने वाला जो धन है उसके विषय में भी बाइबल कह रहा है। और बाइबल कहता है कि बता रहा है और नबी बता रहा है कि जहां मतलब एक ऐसा भी धन है जो परमेश्वर ने इस मिट्टी के शरीर के अंदर रखा, इस मिट्टी के शरीर के अंदर परमेश्वर ने ऐसा धन रखा जिस जो असीम है, जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकती, ना ही वो पृथ्वी का धन है। इस मिट्टी के बर्तनों के अंदर परमेश्वर ने स्वर्गीय धन को रखा, जो परमेश्वर का वचन है, जो पवित्र आत्मा है, जो अनंत काल का जीवन है, उस परमेश्वर ने हमारे बीच में रखा। इसलिए जो वचन परमेश्वर ने पुराने नियम के अंदर अपने दास भविष्यवक्ता के द्वारा सिखाया, वही वचन परमेश्वर ने नए नियम के अंदर हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाया। जो पुराने नियम का यहोवा, उसी यहोवा ने नए नियम के अंदर यीशु बनकर उन्होंने उन सारे वचनों को हमारे लिए और हम सब के लिए उन्होंने वहां पर उन सारे वचनों को हमें सिखाया बताया। परंतु मेरे प्रिय भाई बहनों, कि हम बहुत ही सरलता में उन वचनों को क्या करते हैं, बाजू कर देते हैं और उन वचनों को बाजू करके हम उसी तरह से जीवन जीते हैं जैसा हमें चाहिए और जैसा हम जीना चाहते हैं या जैसा हम करना चाहते हैं वैसा ही हम करते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन संदेश और सारी बातें हमें पता है, हमें वो सारी बातें पता है और वो सारी बातें पता होकर भी
इसलिए नबी का सारा संदेश पता होकर भी बड़े ही आसानी से हम उन्हें टाल देते हैं, उन्हें बाईपास करते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, उस उन वचनों को, उस मैसेज को हम एडजस्ट कर लेते हैं, या उन वचनों को हम क्या करते हैं, वो धन के लिए, सारी चीजों के लिए, हम उन सारे बातों के लिए जो संसार की बातों के लिए, यीशु को हम बाजू करते हैं और उन सारे बातों को हम पहला स्थान, प्रथम स्थान, और उन सारे बातों के लिए हम जीवन भर उनके पीछे पीछे, उनका पीछा करते हुए, उनके पीछे भागते हुए अपना पूरा संपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। ना कि ये सारी बातें हमें जीवन देने वाली बातें नहीं, ना कि इन बातों से हमें जीवन प्राप्त हो सकता है, इन बातों से हमें जीवन मिल सकता है, केवल जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आता है, और प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवन दिया है, और केवल उसी के वचन के द्वारा, और यही आज्ञा है प्रभु यीशु मसीह ने पुराने नियम में और नए नियम में सिखाया। आइए हम उन वचनों को पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण की पुस्तक ग्यारह अध्याय पुस्तक 11 है और हम पढ़ रहे हैं 20 वचन से। और इन्हें अपने अपने घर के देखिए कि हम पढ़ते हैं इसे 20 वचन से, और इन्हें अपने अपने घर के चौकट के बाजू और फाटकों के ऊपर लिखना, इसलिए कि जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे दूंगा, उसमें तुम्हारे और तुम्हारे लड़के वालों की दीर्घायु हो, और जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे तब तक वे भी बने रहेंगे। यदि तुम इन सब आज्ञाओं को मानने में जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ चौकसी करके अपने यहोवा परमेश्वर से प्रेम रखो और उसके सब मार्गों पर चलो, उससे लिपटे रहो, उसके मार्ग में चलो, उससे प्रेम करो, उससे लिपटे रहो। और देखिए और एक वचन क्या कहता है, पुराने नियम के अंदर जो परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता के द्वारा इन बातों को सिखाया है, हम उन्हें देखेंगे 13 अध्याय और 3 वचन के अंदर हम पढ़ेंगे। तब तुम उस भविष्यवक्ता का स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन, सारे प्राण और प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या वा नहीं। हमें अपने परमेश्वर के साथ पूरे मन और प्राण के साथ प्रेम रखना है, और यही बात पुराने नियम के अंदर परमेश्वर ने सिखाया। फिर हम देखते हैं कि यहोशुआ की किताब के अंदर परमेश्वर ने वही बात उस परमेश्वर का दास यहोशुआ के मुख से भी परमेश्वर ने इस बात को बताया 22 अध्याय और 5 वचन के अंदर, और हम उस वचन को भी पढ़ते हैं। केवल इस बात की पूरी चौकसी करना, जो जो आज्ञाएं और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी है उसको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, उसके सारे मार्गों पर चलो, उसकी आज्ञाएं मानो, उसकी भक्ति में लौलीन रहो, और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करो। पुराने नियम के अंदर परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता मूसा को इस व्यवस्था को दिया, वही वचन परमेश्वर ने वही वचन मूसा के बाद जो परमेश्वर ने मूसा को इस व्यवस्था को दिया, इन नियमों को दिया,
और परमेश्वर ने उन बातों को सिखाया कि हमें कैसे लौलीन रहना है भक्ति में, अपने सारे मन और सारे प्राण से सेवा करना है, उससे प्रेम करना है और यहोवा से प्रेम रखना है, उसके मार्ग पर चलना है। यही बात यहोशू भविष्यवक्ता भी मूसा भविष्यवक्ता जाने के बाद उसी बात को लागू कर रहा है। और वही परमेश्वर जो पुराने नियम का परमेश्वर नए नियम के अंदर उस वचन को उसी वचन को सिखा रहा है, क्योंकि वचन बदलता नहीं। मरकुस इसका 12 अध्याय और हम 29 वचन से पढ़ रहे हैं। मरकुस रचित सुसमाचार और 12 अध्याय और हम 28 वचन से पढ़ेंगे। और शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया है, उससे पूछा सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है। सबसे शास्त्री पड़ोसियों ने और उसे आकर यीशु से वाद विवाद किया और मुख्य आज्ञा के विषय में पूछ रहे। यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, हमारा प्रभु परमेश्वर एक ही है, और तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से अपने सारे प्राण से अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। देखिए कि वही जो पुराने नियम का यहोवा, वही यहोवा नए नियम के अंदर यीशु मसीह बनकर आए और उन्होंने उन्हीं बातों को सिखाया और उन्हीं उसी वचन को सिखाया कि हमें अपने सारे मन अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि से अपनी सारी शक्ति से उस परमेश्वर प्रभु से हमें प्रेम करना है, ना कि संसार की चीजों से, ना कि संसार के धन संपत्ति से, ना कि संसार की पैसों से, ना कि संसार के सोना चांदी और उन सारी चीजों से, परंतु हम देखते हैं कि हम जीवन भर इन्हीं चीजों के पीछे भागते रहते और हमारे पास परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए समय नहीं होता, परमेश्वर के संदेश के लिए समय नहीं होता, परमेश्वर के वो प्रार्थना के लिए समय नहीं होता। और ये सारी बातें ये इतना साबित करती है, जबकि हमें ये संदेश पता है, जबकि हमें ये वचन पता है, जबकि ये मैसेज प्रोफेटिक मैसेज पता है कि इस अंतिम समय में परमेश्वर के एक भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने भेजा और उन्होंने इन सारे बातों को उनके द्वारा प्रकट किया, फिर भी हम अच्छे से जानते हैं, जानकर भी समझकर भी पढ़कर भी उन संदेशों को हम बाजू करते हैं, ना कि हम परमेश्वर को और परमेश्वर के वचन को, ना हम अपने सारे मन से, ना अपने प्राण से, ना अपने सारे बुद्धि से, ना अपने सारे शक्ति से प्रेम करते हैं। परंतु बाइबल ये सिखाता है, वचन ये सिखाता है, यीशु मसीह ये सिखाता है कि हमें इन सारे बातों को, इन सारी चीजों से बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करना है। इसका ये मतलब नहीं है, मेरा ये कहना नहीं है, नबी कहते हैं कि पैसा कमाना गलत नहीं है, परंतु पैसों के पीछे भागना, जीवन भर पैसों के पीछे भागना, वस्तुओं के पीछे भागना, संपत्ति के पीछे भागना, परंतु परमेश्वर कहता है कि ये सबसे मुख्य आ गया है कि अपने सारे मन से अपने सारे प्राण से अपने सारे बुद्धि से अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। परंतु हम ये चीज कर नहीं पाते, हम उन सारे चीजों को परमेश्वर के वचन को आसानी से टाल देते, परमेश्वर के वचन को आसानी से हम क्या करते, संसार की चीजों से प्रेम करते, संसार की वो सारी चीजें, संसार की सारी संपत्ति, संसार का धन, संसार की चीजें। परंतु यीशु मसीह ने कहा वचन के अंदर, तुम मेरे राज और धार्मिकता की खोज करो। परमेश्वर का राज उसके वचन में है, परमेश्वर का राज उसके संदेश में, परमेश्वर का राज उसके
वचन में है, इसलिए परमेश्वर हमें जीवन दे रहा है। परंतु उसने कहा कि आप पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, परंतु हमारा स्वर्गीय पिता जो कि हमें स्वर्ग में धन देगा। ये जो धन है सड़ने वाला, काई लगने वाला, चोरी होने वाला, ये ऐसा धन है कि जो नष्ट होने वाला, परंतु जो परमेश्वर धन देने वाला है वो धन कभी समाप्त नहीं होगा, ना ही चोरी होगा, ना ही वो उसमें काई लगेगी, कीड़ा लगेगा, परंतु ये धन परमेश्वर ने जो स्वर्ग से दिया है, ये स्वर्ग में जो धन देने वाला है, स्वर्ग में जो परमेश्वर हमें ये सारी चीजें देने वाला है, उस धन के अंदर कोई चोरी नहीं होगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर के वचन को स्थान देना चाहिए, परमेश्वर के संदेश को, परमेश्वर के उस प्रोफेटिक मैसेज को, ना कि आज हम देखते कि संसारिक लोग जो केवल सुबह से लेकर रात तक धन के पीछे पैसों के पीछे भागते रहते, बल्कि हमें इस अंतिम समय के अंदर जबकि दुल्हन का रैप्चर होने का समय निकट है, इसलिए दुल्हन ने अपने आप को इस मैसेज के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में जाना चाहिए, अपने हृदय के अंदर परमेश्वर के पवित्र आत्मा को उंडेला जाना चाहिए, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जीवन भरा हुआ होना चाहिए। इसी के द्वारा हम परमेश्वर को देख सकते हैं, परमेश्वर को भेंट कर सकते हैं, और ऐसा असीम धन परमेश्वर हमें स्वर्ग में देने वाला है, ऐसा असीम धन हमें स्वर्ग में मिलने वाला है। और इसलिए उस स्वर्ग के अंदर परमेश्वर हमें ऐसा धन देने वाला है, फिर क्यों कर हम इस सारी चीजों के पीछे, क्योंकि हमारा मन जो है समाधानित नहीं होता, हमारा मन लोभ से भरा होता है, हमारा मन वो हम उस सारी चीजों से भरा होता है, पैसों की लालसा करता है, पैसों की अपेक्षा करता है, और हम जीवन भर पैसा सब कुछ चाहिए। आप कह सकते हैं कि पास्टर पैसा क्यों नहीं चाहिए, पैसे से तो कुछ होता नहीं, पैसा हमारी जरूरत है, परंतु जीवन नहीं है, पैसा हमें जीवन नहीं दे सकता, पैसा हमें जीवन दे नहीं सकता, पैसा जीवन नहीं दे सकता, जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह दे सकता है, और उसी के पास जीवन है, और उसी लिए प्रभु यीशु ने अपना जीवन हमारे लिए कुर्बान दिया किया, ताकि हमें जीवन प्राप्त हो, हम एक शुद्ध जीवन जिए, एक साफ सुथरा जीवन जिए केवल इस वचन के द्वारा। परंतु हम इसके खोजी नहीं बनते, हम अपना जीवन इस धन संपत्ति के पीछे और हम सारी चीजों के पीछे खर्चा करते हैं, ताकि हमारे पास यहाँ तक कि इन सारे परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर से प्रेम करने के लिए, परमेश्वर के लिए समय ना होते हुए, परमेश्वर के लिए हम ना एक शक्ति खर्चा करते हैं, ना हम परमेश्वर पर मन लगाते हैं, ना ही हम परमेश्वर से वैसा प्रेम करते हैं, परंतु हम उन सारे संसारिक बातों से प्रेम करते हैं, तो निश्चित हमारा रैप्चर होना मुश्किल है, निश्चित हमारा परमेश्वर के पास, परमेश्वर के राज्य में उठाया जाना मुश्किल है। इसलिए हम सबको परमेश्वर के राज्य के लिए, ना कि धन संपत्ति के लिए, धन संपत्ति मतलब हम जो इस धन के लिए अपना समय, अपना जीवन पूरा व्यतीत कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए बाइबल कहता है कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। अगर जब हमारा धन, अगर संसारिक धन हमारा धन है तो वहां हमारा मन होगा, परंतु स्वर्गीय धन जो परमेश्वर ने उसका वचन और संदेश हमें दिया, वह अगर हमारा धन होगा तो हमारा मन उसी धन के ऊपर रहेगा, उसी पवित्र शास्त्र के अंदर रहेगा, उसी प्रोफेटिक मैसेज के अंदर रहेगा, और हम दिन रात उस धन की खोज करेंगे, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, उसके लिए हम व्याकुल हो जाएंगे, उसके लिए हम ढूंढ ढांढ करेंगे,
उस धन के लिए, उस धन को खोजते रहेंगे कि हमारे पिता का जो स्वर्गीय धन, जो स्वर्ग से दिया हुआ धन है, इस मिट्टी के पात्र के अंदर जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने रखने का कहा है, उसके दास पौलुस के द्वारा उस धन को परमेश्वर इस मिट्टी के पात्र में रखना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए बाइबल क्या कहता है और हम उसे पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियुस 16 अध्याय और 22 वचन को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियुस 16 अध्याय और 22 वचन को पढ़ रहे हैं। यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वह शापित हो। यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे, अगर वो संसार की चीजों से, संसार के धन, संसार की वो सारी चीजों से प्रेम रखता है, संसार की चीजों से वो पूरी चीजों संसार से प्रेम रखता है, संसार की चीजों से प्रेम रखता है, इसलिए बाइबल बताता है, यूहन्ना की पत्री बताती है कि जिसमें संसार का प्रेम है उसमें परमेश्वर का प्रेम ही नहीं रह सकता। और यहाँ पर संत पौलुस कहते हैं कि यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो श्रापित है, क्योंकि उसके लिए घर मुख्य हो सकता है, उसके लिए नौकरी मुख्य हो सकती है, उसके लिए पैसा मुख्य हो सकती है, उसके लिए उसकी खेती मुख्य हो सकती है, उसके लिए वो सारी चीजें मुख्य हो सकती है, और वो सारी चीजें उसके लिए महत्व की हो सकती है, प्रथम हो सकती है, परंतु परमेश्वर उसके लिए प्रथम नहीं हो सकता, इसलिए वो शापित है। वो मनुष्य जो इस सारे धन को, जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम ही नहीं है, परमेश्वर का प्रेम उसके भीतर नहीं है, परमेश्वर के प्रति उसके प्राणों के अंदर प्रेम नहीं है, ना वो अपने सारे मन से परमेश्वर से प्रेम रखता है, परंतु वही परमेश्वर ने पुराने नियम के अंदर मूसा को व्यवस्था दी, वही परमेश्वर ने स्वयं पृथ्वी पर 2000 साल पहले उसी नियम को, उस बड़े मुख्य आज्ञा को उसने सारे इसराइलियों के सामने, शास्त्री पुरुषियों के सामने इस बात को प्रकट किया कि तो अपने सारे मन से अपने परमेश्वर प्रभु से प्रेम रख, अपने सारी शक्ति से, अपने सारी बुद्धि से, अपने सारे शरीर से उस परमेश्वर की, परमेश्वर से प्रेम। यदि हम प्रेम ही नहीं रखते हैं, हम संसारिक चीजों पे प्रेम रखते हैं, ये संसारिक चीजें, संसारिक बातें श्रापित है। जब यहूदा इस्करियोत ने प्रभु यीशु मसीह को 30 सिक्कों में बेचा, उस धन के लिए, पैसों के लिए, उस उद्धारकर्ता को, उस परमेश्वर को, उस वचन को, उस समय के संदेश को उसने 30 सिक्कों में बेचा, और उसके लिए, उससे अपने लिए ऐसे खेती खरीदा जिससे वो श्रापित हो गई, और उसका वो श्रापित बन गया। आज वही धन के पीछे हम अपना जीवन पूरा व्यतीत करते। मेरे प्रियो, एक मसीह भाई बहन, हमारी जरूरत है, इसका मतलब ये नहीं, नबी कहते कि हम धन को ना, वो जरूरत है, परंतु परमेश्वर से बढ़कर नहीं, यीशु से बढ़कर नहीं, वचन से बढ़कर नहीं, संदेश से बढ़कर नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए दिया। बहुत बार ऐसा होता है कि जीवन भर बहुत सारे भाई बहनों को हम देखते हैं कि वे अपने आप को उन्हीं सारे चीजों के अंदर व्यस्त रखते, उन्हीं सारे चीजों के अंदर, परंतु परमेश्वर आपको स्वर्ग के अंदर धन देने वाला है। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा क्रूस उठाओ, मेरे पीछे चलो, तो मैं तुम्हें स्वर्ग के अंदर धन दूंगा, स्वर्ग के अंदर।
वो स्वर्ग के अंदर धन देने वाला परमेश्वर जो आपसे मुझसे प्रेम करता है, और इसलिए वो परमेश्वर को छोड़कर हम संसारिक चीजों से प्रेम करते हैं, संसारिक चीजों से, संसारिक बातों से। परंतु वो परमेश्वर इस मिट्टी के शरीर के अंदर अपना धन रखना चाहता है, इस मिट्टी के शरीर में, जो कि परमेश्वर ने हमें उत्पत्ति के अंदर मिट्टी से बनाया, मिट्टी के पात्र के अंदर अपना अवलोकी, अपना टोकन, अपना जीवन, अपने जीवन का भाग, अपना इटर्नल लाइफ आपके भीतर रखना चाहता है। देखिए बाइबल ये बताता है, नबी ये बताते हैं, क्योंकि बाइबल ये परमेश्वर का वचन है, नबी ये जो परमेश्वर ने दिया हुआ वचन है, भेजा हुआ नबी है, जो कि इस समय जो सबसे वो अंधकार के अंदर समय जी रहे हैं, इस अंतिम समय में परमेश्वर ने लोगों के आंखें खोलने के लिए, लोगों को उस अंधकार से उजाले में लाने के लिए अपने दास भविष्यवक्ता को भेजा, वे वो सारी बातें कह रहे हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा धन इस मिट्टी के पात्र के अंदर रखना चाहता है, ना कि वो सोना चांदी है, ना कि वो नोट है, ना कि वो कॉइन है, ना कोई हीरे मोती है, पर तो परमेश्वर का जीवन है। आइए हम वचन के अंदर पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियुस की पुस्तक और हम 7 वचन से पढ़ेंगे। हम 6 वचन से पढ़ेंगे, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। कहां चमके? हमारे हृदयों के अंदर, हमारे हृदयों के अंदर परमेश्वर का प्रकाश, जो उसका वचन है, उसका प्रकाशन है, उसका दिव्य वचन है, जो हमारे हृदयों पे चमके, ताकि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति हमारे चेहरे से प्रकाशमान। और लिखा है 7 वचन के अंदर, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। कौन सा मिट्टी का बर्तन? कौन से मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने धन रखा? आपके घर के बर्तनों में या चर्च के बर्तनों में, चर्च के पात्रों के अंदर नहीं मेरे प्रियो, या किसी वो ऐसे ऐसे म्यूजियम के बर्तनों के अंदर नहीं, या संसार के ऐसे महान और महंगे से महंगे पात्रों के अंदर नहीं, ऐसे बर्तनों के अंदर नहीं। परमेश्वर ने अपने आप को, जो कि सबसे उत्तम मिट्टी का बर्तन आप में है, जिसने अपने हाथों से बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, उसके अंदर उस महान परमेश्वर ने वो ऐसा ऐसा जीवन रखा, अनंत काल का जीवन का भाग आपके मेरे अंदर रखा, ताकि आपको मुझे वो जीवन प्राप्त हो, और हमें ऐसा स्वर्गीय धन दिया, ऐसे स्वर्गीय धन से भर दिया इन मिट्टी के पात्रों के अंदर, इन मिट्टी के बर्तनों के अंदर। परमेश्वर ने उस असीम सामर्थ को उसकी ओर से हमारे अंदर डाला, ताकि किसी मनुष्य की ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से इस मिट्टी के पात्र में उसने अपना धन रखा, मिट्टी के पात्र में। फिर भी हो सकता है कि हमारे ऊपर क्लेश आए, दुख आए, संकट आए, लेकिन वो निराश नहीं होते, परंतु क्योंकि इसके अंदर जीवन है, जीवन है, और वो जीवन हमें नाश नहीं होने देता, हमें पड़ा हुआ रहने नहीं देता, वो जीवन हमें जीवन देता है। और वही जीवन जब हमारे भीतर आता है, परंतु बहुत बार हम क्या करते हैं, इस जीवन को बेच देते हैं, जैसा यहूदा इस्करियोत ने बेचा 30 सिक्कों के लिए, 30 सिक्कों के लिए, और शापित हो गया, उस शापित खेती को मोल लिया,
और शापित चीजों को किया, परंतु मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि ये डेरा थोड़े दिनों का है, ये दिन इससे छूट जाने के बाद हम आप कहां पर जाएंगे? हमें कोई बचाने वाला नहीं, ना हमारा धन संपत्ति घर, ना हमारा बैंक बैलेंस, ना हमारी इंश्योरेंस, ना हमारी कोई भी ऐसी चीजें, ना हमारा कोई मेडिक्लेम, ना कोई ऐसी दवाएं, ना ऐसे कोई नोट या कागज, ना कोई कॉइन और ना ही कोई गोल्ड और कोई ऐसी चीजें, ना कोई डायमंड आपको बचा सकता, केवल यीशु मसीह, यीशु मसीह। हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर सबसे अमीर व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, जो कि प्रभु यीशु मसीह के पास एक बार आया था, और इसलिए यीशु मसीह के पास आने के बाद यीशु मसीह के चरणों में आकर उस धनवान व्यक्ति ने पूछा कि प्रभु, गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? और यीशु मसीह ने रास्ते में जाते हुए उस अमीर व्यक्ति को, उस रिच मैन को, उसे बताया कि तू 10 आज्ञा का पालन कर। उसने कहा, मैं बचपन से करते आ रहा हूं। फिर परमेश्वर ने उसे डिसनिंग के द्वारा पहचाना कि इसके अंदर कुछ तो भी कमी घटी है, और उस परमेश्वर ने जाना कि यह बहुत धनवान है। उसने कहा, इस धन को कंगालों को बेचकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि वही परमेश्वर जो उस रास्ते पे चलने वाला था, वह असीम धन था, वो स्वर्गीय धन था, उसने क्या किया, उस धन को ठुकरा दिया, संसार के धन को अपनाया। वो निराश हुआ, क्योंकि वो इतना धनवान था, इतना अमीर था, इतना धन संपत्ति आदि, इतनी कोठियां थी, बाइबल बताता है वो इतना ये सारी चीजें था, उसको उसके उन सारी चीजों के अंदर, उसके अंदर वो आकर्षण आ चुका था, उसके अंदर वो सारी चीजें आ चुकी थी, और पार्टी, नाच गाना, उन सारे धन से वो अपने सारे जरूरतों को, शानो शौकत की चीजों को वो अपना कर जी रहा था, उसे वो छोड़ना नहीं चाहता था, उसे वो देना नहीं चाहता था, परंतु उसने क्या किया, वो सब वचन को जानता था, वो सारे नियमों को जानता था, फिर भी उसने यीशु को ठुकरा दिया, यीशु को बाजू किया और संसारिक धन को अपनाया। क्या हुआ? उसके बाद कई महीने के बाद, कई सालों के बाद, उसके घर के सामने जो बैठने वाला लाजर, निर्धन व्यक्ति, जिसके पास कोई धन संपत्ति नहीं है, परंतु उसने यीशु को अपना उद्धारकर्ता बनाया, यीशु को अपना मित्र बनाया, यीशु को अपना सब कुछ बनाया, फिर भी वो निर्धन था, परंतु उस महान परमेश्वर ने, उस महान परमेश्वर ने उस मिट्टी के पात्र के अंदर अपना असीम धन रखा, और वही जब लाजर और वही वो अमीर व्यक्ति जब वे मृत्यु पाए और गुजर गए, और जब वे उसी समय दोनों भी उठाए गए, दोनों भी वहां से निकल गए, तो जब उस अमीर व्यक्ति ने अपने आंखें खोली, तो उसने देखा कि वो अधोलोक के अंदर है, और उसके घर के सामने, जो उसके कोठी के सामने, उसके बंगले के सामने, भवन के सामने, जो भिखारी, जो कि लाजर वहां बैठा था, वो उसके झूठन खाने वाला, वो अब्राहम के दाहिने हाथ में जाकर बैठा, क्योंकि उसने संसार के धन से बढ़कर, उसके पास ऐसा धन था जो कि परमेश्वर स्वयं यीशु ही उसके लिए सब कुछ था। परंतु इस व्यक्ति ने यीशु को जानकर, वचन को जानकर, उन नियमों को, व्यवस्था को जानकर सरलता से बाजू किया। आज भी बहुत सारे भाई बहन, मैं, आप बहुत बार क्या करते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को अपने धन संपत्ति के लिए, अपने नाम के लिए, अपने सारे चीजों के लिए, हम उन सारे वचनों को जो परमेश्वर ने और नबी के, आज के नबी के दिए, उन सारे नियमों को हम बाजू करते हैं, अपने लिए उसे क्या करते, बाजू करते हैं, और बाजू करके हमें जैसा जीना चाहिए वैसा ही जीते, केवल हम जो है लेबल लगाते अंतिम समय की कलीसिया, हम खुद होकर कहते हैं कि ब्राइड
ब्राइड ऐसा नहीं कर सकती। ब्राइड केवल परमेश्वर के वचन के अंदर, ब्राइड अपने ओ हस्बैंड के शब्द के अंदर बंधी हुई है, उस परमेश्वर के वचन में बंधी हुई है। कलीसिया उस यीशु के वचन में बांधी हुई है, वो कभी भी यीशु के वचन को फाड़ नहीं सकती या यीशु के वचन को क्रॉस नहीं कर सकती। हम देखते कि समुद्र आज भी परमेश्वर के वचन में बंधा है, वो इंच भर भी हिलता नहीं है। जहां पर उसे निर्धारित किया गया, जहां पर उसे रखा गया, उसी स्थान में सूरज चांद भी वो प्रारंभ से उसी स्थान के अंदर। केवल मनुष्य है परमेश्वर के वचन और स्थानों को छोड़कर वो अपने मर्जी से इच्छा से जीता है। केवल इन कागज के टुकड़ों के लिए जो कि एक साधारण है, वे जलाए जा सकते हैं, वे गीले होने से खराब होते हैं, उनके अंदर कोई जीवन नहीं है, वो बोलते नहीं है, उनके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, वो ना चंगाई दे सकते हैं, ना वो जीवन दे सकते हैं, फिर भी उनको हम यीशु से ज्यादा महत्व देते हैं, प्रथम स्थान देते हैं, उसे मुख्य बनाते हैं और हम अपना जीवन, अपनी आयु जिसने हमें सृष्टिकर्ता ने हमें दिया है जीवन भर उसके लिए कर, उन सारी चीजों के लिए हम पीछे भागते हैं। हो सकते हैं हम गिरे हुए, हम इन स्थितियों में गिरे हुए। हर एक जन जानता है कि हमारे स्वभाव, हमारे आदत, हमारे हर एक चीजों के अंदर, हर एक के अंदर कमी घटी है। पिछले दिनों के अंदर मैं एक सेवक से बात कर रहा था, तो उन्होंने एक उदाहरण दिया और वो उदाहरण के तौर पर कि एक व्यक्ति एक बिजनेसमैन के पास एक स्थान के अंदर जॉब के लिए गया और उसने कहा कि मुझे, उसने इंटरव्यू के अंदर कहा कि मैं आपको ये जॉब क्यों दूं। उसने कहा कि मैं कभी गलतियां नहीं करता, कभी गलतियां नहीं करता, कभी गलतियां नहीं करता मेरे जीवन में। और उसने, क्योंकि हर एक के पेंसिल के ऊपर खोल रबर होता है, रबर पीछे में उसके ऊपर के बाजू, और वो रबर से कभी रब नहीं करता क्योंकि वो गलतियां नहीं करता, गलतियां नहीं करता। इसलिए उसने कहा कि मैं क्यों आपको ये काम दूं या इस काम को दूं। उसने कहा कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मैं बहुत ही होशियार हूं और मैं कोई भी गलतियां नहीं करता, मैं इसलिए मुझे रबर की आवश्यकता नहीं। उस मालिक ने पूछा कि भाई आप तो जो लिख रहे हो, हर एक के पेंसिल के ऊपर रबर होता है, आपके पेंसिल के ऊपर रबर नहीं। उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं गलतियां नहीं करता। उस मालिक ने कहा मैं आपको काम दे नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर, क्योंकि गलतियां करने वाले कोई, क्योंकि जो गलतियां करता है, जो स्वीकार करता है हृदय से पश्चाताप करता है, उसे ही परमेश्वर क्षमा करता है। इसलिए उस मालिक ने यह नहीं दिया कि आज वो अपने अहंकार में, अपने गर्व में वो उस मालिक से ही वो उल्टा ना करे या कुछ ऐसा ना करे, या मालिक से ही वो अपनी अपनी बात को अगर गलती भी करके वो करे, कहे कि नहीं नहीं मैंने गलती ही नहीं किया, क्योंकि उसके पास रबर नहीं है रब करने के लिए, गलती सुधारने के लिए। अगर जो व्यक्ति के पास रबर ना हो, वो अपने गलतियों को मानता ही नहीं, वो तो उस सृष्टिकर्ता से, अपने स्वामी से, मालिक से और अघंटी से बात कर सकता है। इसलिए उस मालिक ने उसको जॉब नहीं दिया। परंतु गलतियां करने वाला हर एक इंसान है, परंतु जो गलतियां कर अपने गलतियों को परमेश्वर के सामने स्वीकार करता है, पश्चाताप करता है, परमेश्वर उसको फिर से उठाता है, नाश नहीं होने देता, उसको नष्ट नहीं होने देता, उसे अपना हाथ देता है, अपना मैसेज देता है, वचन देता है, फिर से उसे उठाता है। परंतु जो व्यक्ति कहता है कि मैं गलतियां ही नहीं करता हूं, मैं गलतियों के लिए नहीं बना हूं, मैं गलतियां नहीं करता, मुझ में कोई पाप ही नहीं है, मैं बहुत ही अच्छा हूं, तो निश्चित परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के पास उसके लिए कोई स्थान नहीं। क्योंकि हर एक मनुष्य झूठा है, हर एक मनुष्य पापी, हर एक गलतियां करने वाला है। परंतु जब इसी गलती करने वाले मनुष्य के अंदर, इसी मिट्टी के शरीर के अंदर परमेश्वर ने अपना इटर्नल लाइफ, अपना वो
जीवन उस मिट्टी के पात्र के अंदर रखा, क्योंकि परमेश्वर को यही भाया और इसी मिट्टी के पात्र को छुड़ाने के लिए उस परमेश्वर ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए परमेश्वर आज हम क्या करते हैं, सिर्फ धन 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 संपत्ति। देखिए कि हम देखते कि बकरी और मेमना इनके अंदर बहुत फर्क है। बकरी जो है बहुत ही चंचल होशियार और अपने लिए ऐसी तरह से जीवन जीना शुरू करती, यहां से दो पत्ते खाना, वहां से दो पत्ते खाना। परंतु बकरी का स्वभाव इस भेड़ के अंदर नहीं होता। भेड़ केवल उसका जो चरवा है उसे जहां पर हरी हरी चराई है वहां पर जाकर वो बैठती है, वहां पर जब चरवा लेकर जाता है वहीं पर जाती है, वहीं पर चढ़ती है, वो जो खिलाता है वही खिलाती है, खाती है और उसके पीछे चलती है, उसके पीछे चलती है, उसके आवाज को सुनती है। बकरी ऐसी नहीं, कितना भी बुलाओ वो भागती है और उसको जो करना है वैसा ही करती है, उसको जो करना है वही करती है। देखिए इतना बड़ा नबी हमारा विलियम मेरे ब्रैनम, इस युग का भविष्यवक्ता, वो कभी उन्होंने तीन चीजें सिखाया, पैसा, प्रतिष्ठा और स्त्री। वे कभी इन चीजों के पीछे भागे नहीं, कभी भी इन चीजों के सोड़ा क्रैकर, मतलब वो ऐसा सोड़ा क्रैकर खाकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा लेकिन परमेश्वर के प्रति मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा वो कहते हैं। ऐसा नबी जिसको लाखों करोड़ों ऐसे पैसे मिले, उस पैसे को उन्होंने ठुकरा दिया, इनकार कर दिया, उन पैसों को लिया नहीं, वे कभी पैसों के पीछे भागे नहीं, उन पैसों को उन्होंने पूरी तरह से, आज फिर उसी संदेश के अंदर, उसी नबी के संदेश के अंदर हम हैं, तो हम कैसे उस पैसे और धन के पीछे भाग सकते हैं? ना कलीसिया, ना पास्टर, ना कोई विश्वासी, केवल हमें इस संदेश के पीछे आना है, संदेश के पीछे दौड़ना है, संदेश को पूरा करना है। जबकि एक नबी ऐसे स्थिति के अंदर उन्होंने अपनी सेवा पूरी की और सेवा पर पूरी करके वे परमेश्वर के पास वापस लौट गए, तो अब हमें भी उस वचन को पूरा करने का समय, उस वचन को पूरा करने का हमें वक्त दिया है। इसलिए क्या हम सिर्फ उस पैसों से जीवित है, उस धन संपत्ति से जीवित है, उस सारे वो घरों से कारों से जीवित है, हमारे घर डेकोरेट घरों से जीवित है? नहीं, हम तो केवल परमेश्वर के वचन से जीवित है। परमेश्वर दुल्हन जो है परमेश्वर के नबी के उस परमेश्वर के वचन से और नबी के संदेश से जीवित है, इसलिए कि हम ऐसा नहीं कर सकते। जबकि नबी ने नहीं किया, नबी ने इन तीन बातों के विषय में बहुत ही वो सतर्कता, बहुत ही मतलब विशेष तौर से सिखाया, पैसा, प्रतिष्ठा और स्त्री। जबकि पैसा इतना लालच लोभ को निर्माण करता है, लालसा को निर्माण करता है। जबकि उन्होंने अनेक लोगों को चंगाई प्राप्त हुई, अनेक लोग चंगे हो गए, अनेक लोग चंगाई को प्राप्त किए, परंतु उन्होंने कभी भी पैसों की और इन सारे वो प्रतिष्ठा की, आज लोग भी प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं, पैसों के पीछे भाग रहे, प्रतिष्ठा, वे पॉपुलर होना चाहते हैं, पॉपुलर का स्पिरिट, पॉपुलरिटी चाहते हैं, वे पूरे वो कलीसियाओं के बीच में, अपने कलीसिया को छोड़कर और कलीसियाओं के बीच में, और कलीसियाओं के बीच में से अपने प्रदेश के अंदर, राज्य के अंदर, देश के अंदर पॉपुलर होना चाहते हैं, ना कि उस परमेश्वर को पॉपुलर करना चाहते हैं, परंतु खुद को पॉपुलर करना चाहते हैं।
जैसे कि बालाम की शिक्षा। बालाम जो है वो एक भविष्यवक्ता होकर पैसों के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, वस्त्रों के लिए, इसलिए पहला तिमोथी 6:10 कहता है कि पैसा जो है बुराई की जड़ है, रुपया ये बुराई की जड़ है, बुराई को उत्पन्न करता है, बुराई को लाता है। परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के वचन से हमें पूरी तरह से दूर लेकर जाता है, जबकि हमें पता है होता है वचन। बालाम को संदेश पता था, बालाम को परमेश्वर का वचन पता था, बालाम से परमेश्वर बात करता था, लेकिन उसके अंदर जो लालसा थी धन के लिए, उसके अंदर जो जो पैसों के लिए ये सारी चीजें थी, इसलिए उसने क्या किया, वो सारी चीजों को उत्पन्न किया और वो परमेश्वर के बारंबार बारंबार वचन के विरुद्ध ज्यादा रहा। परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर ना, परमेश्वर कभी अपने लोगों के अंदर पॉलिटिक्स रखता है, ना पॉपुलरिटी रखता है, ना मनी मेकिंग वाला स्प्रिट रखता है। परमेश्वर तो उनके अंदर दीनता का आत्मा रखता है। देखिए बाइबल ये सिखाता है हमें, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन। देखिए कि ब्राइड का जो धन है, आज का वचन मैसेज, उसके अंदर हमारा मन होना चाहिए, उसके अंदर ही हमारा सब कुछ होना चाहिए। क्या जरूरत था मूसा को कि मिस्र का राजा होने से इनकार कर दिया, मिस्र के राजा का फिरौन का बेटी का बेटा कहलाने से मना कर दिया, जबकि इजरायली लोग वे एक गुलामी में थे, बंधन में थे, ईटे बना देते थे, कोड़े खाते थे, फिर भी उसने दुख उठाना, दुख भोगना पसंद किया, परंतु मसीह के भंडार को अपनाया, शास्त्र कहता है। इसलिए हमारा मन कैसा होना चाहिए, मत्तै रचित सुसमाचार इसका 5 अध्याय और हम 3 वचन देखते हैं। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है जो दीन है, क्योंकि परमेश्वर का राज मन के दीन है, मन के अंदर, उनके मन के अंदर, उनके स्पिरिट के अंदर, उनके वे दीन है, परंतु परमेश्वर का जीवन उनके अंदर है, उनका मन परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के प्रति, इसलिए वे परमेश्वर का राज उन्हीं का है, उस राज्य पर वे अपना अधिकार दिखा सकते हैं। परंतु आज हम संसार का धन चाहिए या वो असीम धन जो स्वर्गीय धन जो परमेश्वर की ओर, इसलिए जैसा कि यहां पर देखते कि कुछ लोगों का मन जो था परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर के ओ संदेश के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति उनका मन था, इसलिए मूसा ने उन सारे चीजों को ठुकराया, अब्राहम ने उन सारे धन संपत्ति भेड़ बकरी और खेतियों को ठुकराया, जबकि हम देखते हैं कि विलियम मेरेम ब्रैनम इस युग के प्रॉफिट ने उन सारे चेक और उन सारे धन को वो अस्वीकार किया, और हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के सेवकों ने पूरे शास्त्र के अंदर उस धन को ठुकरा कर, संसार के धन को ठुकरा कर स्वर्गीय धन को अपनाया, जबकि कुछ झूठे भविष्यवक्ता थे जिनके अंदर धन था, लोभ था, बालाम था, योदा इस्क्रियत के अंदर वो स्पिरिट था, और वही स्पिरिट शास्त्री पुरुषों के अंदर था, वही आत्मा उनके अंदर था, वे संसार के धन के लिए। आज अनेक कलीसियाओं के लोग या भाई बहन परमेश्वर के धन के बजाय संसारिक धन के लिए अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, संपूर्ण जीवन उस धन के लिए, उन पैसों के लिए, उस प्रतिष्ठा के लिए। सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है परमेश्वर,
सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर का वचन श्रेष्ठ है और परमेश्वर का वचन क्या करता है, हमें जीवन देता है। इसलिए हमें ना पॉपुलरिटी चाहिए ना पॉलिटिक्स चाहिए चर्च के अंदर। देखिए कि जो शास्त्रीय पुरुषियों का स्पिरिट था वही कैरी होते हुए आज के युग के अंदर वही स्पिरिट आया। मैंने देखा हमारे बहुत सारे मित्र भाई लोग जो कभी बाइबल ट्रेनिंग भी नहीं किए, वो ऐसे सर्टिफिकेट को इकट्ठा करना के काम किए, ऐसे सर्टिफिकेट को सिर्फ, परंतु इससे कोई लाभ नहीं होगा। पैसा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं, लेकिन जिनका उद्देश्य है, मैंने पिछले दिनों में भी कहा, शायद किसी को बुरा लग सकता है लेकिन सत्य, कभी भी यीशु ने या परमेश्वर के सेवक ने इस युग का सच्चा भविष्यवक्ता भी उन्होंने कभी अपने प्रार्थना को नहीं बेचा। इस बाइबल का जो लेखक है, जो यीशु मसीह, जिसने वो कभी अपनी प्रार्थना को नहीं बेचा, इस बाइबल का हीरो है, उसने तो मुफ्त में लोगों को चंगाई दी, स्पर्श किया, छुआ, लेकिन आज प्रार्थना ये एक पैसों के अंदर, लोग पैसों के अंदर उस प्रार्थना के लिए भी उसकी कीमत ठहराई गई, उस प्रार्थना के लिए वो डोनेशन ठहरा गया, जबकि यीशु ने उसे फ्री में दिया, फ्री में। इसलिए यीशु मुझसे ने कहा अपने वचन के अंदर, मत्ती 19:24 के अंदर, ऊंट सुई के सुई में से जा सकता है लेकिन धनवानों को परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश। ऊंट कितना बड़ा है और सुई का, उस निडल का जो मुंह है वो कितना छोटा है, वो सुई में से वो ऊंट जा सकता है परंतु धनवान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना असंभव है। इसलिए मेरे प्रियो, सावधान हो जाए, हम किस बातों को महत्व दे रहे, कौन सी चीज हमारे जीवन में मुख्य है, कौन सी चीज हमारे जीवन में बहुत ही उसका इंपॉर्टेंट है, हमें ये जानना चाहिए, देखना चाहिए। क्योंकि जो धन है, जहां पर तेरा धन है वहां तेरा मन है। आज उसके ब्राइड का, उसके दुल्हन का धन है आज का संदेश, आज का वचन उसका धन है और उसका मन उसी के अंदर होना चाहिए। हमने देखते हैं कि सदोम मोरा के समय में लूत के पत्नी का मन उस धन संपत्ति के अंदर था, उस घर के अंदर था, घर के अंदर की वस्तुओं के अंदर था, शायद उस घर में रहे जो गहने थे उसके अंदर था, और उसने वही चीज किया जो कि उसको आकर्षित कर रहा था। आज हमें इंटरनेट, व्हाट्सएप और ये सारी चीजें आकर्षित करती, मुझे, आपको, सबको, और इसमें अधिक समय मेरा या आपका, सबका अधिक समय उसमें जाना है। और शैतान ने इसको आखिरी समय में ऐसा हथियार लेकर आया ताकि हो सके तो अच्छे अच्छे विश्वासी को गिरा दे, उनको व्यस्त कर दे और उनको धार्मिकता से गिरा दे। उसका लक्ष्य है, उद्देश्य है कि हम सबको गिराए। इसलिए वो ये सारी चीजों को लेकर आ रहा है, इन सारी चीजों को लेकर आ रहा है, परंतु परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग से उसका दिव्य वचन लाया, दिव्य संदेश लाया, दिव्य ऐसा महान धन दिया जिसके द्वारा ये मरणार देह बदल सकता है, नाशमान देह बदल सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, इसलिए बाइबल कहता है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन। हमारा धन हमारा बाइबल है, हमारा पवित्र शास्त्र है, हमारा संदेश है, नबी का संदेश है, दुल्हन के लिए उसके जो हस्बैंड का धन, उसका वचन है जो हमारे लिए सब कुछ है। हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर एक ऐसी स्त्री थी जो कि एक वेश्या स्त्री थी, जो लूका 17:7 अध्याय के अंदर, लूका 38 के अंदर पाई जाती है कि जो रात में घूम रही थी, जो कि वो वेश्या का काम वो करती थी, परंतु उसने
उस मार्ग से जो कमाया हुआ धन था, जो बुराई के मार्ग से, पाप के मार्ग से जो कमाया हुआ धन था, उस स्त्री ने जाना कि यीशु मसीह ही उसके पापों को क्षमा कर सकता है। यही अनंत काल का जीवन है, यही असीम धन है, स्वर्ग से उतरा हुआ धन यही है। इसलिए उसने उस यीशु मसीह पर उस धन को पूरी तरह से, उस पात्र को खरीद कर यीशु मसीह के लिए खर्चा किया। उसने उस धन को जाकर बेचकर परमेश्वर के लिए ऐसी चीजें लाया, रो रो कर उसके पैरों को धोया। उसके उस स्त्री ने अपने बालों से उसके पैरों को पोंछा, उसके सर पर इत्र डाला। उसका जो कुछ भी था, नबी कहते जो कुछ भी था, वो सारा जो उसने कमाया हुआ धन था, उसने इतना महंगा इत्र खरीदा कि उसने उस सारे पैसे, उस सारा धन, जो संपत्ति, पैसा, रुपया, उस इत्र के एक बोतल के अंदर खर्चा किया और उसने यीशु के लिए खर्चा कर दिया, पूरा यीशु के लिए। और उसी वक्त उसके पाप क्षमा हो गए। वो जान गई थी कि यही वो उद्धार करता है, यही वो पापों को क्षमा करने वाला, यही सब कुछ है। वो धन जो स्वर्ग से उतरा हुआ धन 2000 साल पहले उसने जाना था, यही परमेश्वर का पुत्र है, इसके पास जीवन है, इसके पास सब कुछ है। इसलिए उसने अपना जो कुछ भी था वो सारा जाकर उस रात बेचकर उसने यीशु के लिए खर्चा किया। हम किसके लिए जी रहे हैं? संदेश पता है, मैसेज पता है, हम पढ़ते भी हैं, परंतु हर समय हम उन सारे संदेशों को, उन सारे वचनों को हम ढाल देते, बाईपास करते हैं। हम कहते कि इस बार नहीं, अगले बार उसको जिएंगे, अगले बार हम करेंगे उसको, इस बार हम गलती करेंगे, इस बार हम वो पाप करेंगे, इस बार उस वचन को तोड़ेंगे, इस बार यीशु को बाजू करेंगे, हम संसार की चीज को पहले करेंगे। क्या हम दुल्हन हो सकते हैं? कभी प्रभु यीशु ने प्रतिष्ठा नहीं चाही, कभी धन की अपेक्षा नहीं की, ना नबी ने किया, ना और पुराने नियमों के नबी ने किया, ना आज के नबी ने किया। परमेश्वर हमारी सुधि लेता है, पर आज हमारे लिए यह शोक से उतरा हुआ धन है। इसलिए जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। हमारा धन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का संदेश, परमेश्वर का आज का संदेश, जो दुल्हन को बदलने में सामर्थ्य है, दुल्हन के इस मरणहार देह को बदलने में सामर्थ्य हम डाल नहीं सकते। इस प्रतिष्ठा के लिए, इस थोड़े समय के लिए, ये सड़ने वाली है, ये चोरी होने वाले है, इसको कीड़ा लगने वाला है, इसको काई लगने वाला है। कल परसों में पत्नी से बात हो रही थी और वो बता रहे थे कि इसको जला सकते, ये जल सकता है, ये गीला हो सकता है। आपके पर्स में का आपका पैसा, जिसके लिए आप महीना भर काम करते हो, और यदि अगर आपके पास छाता ना हो इस बारिश के सीजन में, वो भीग जाए तो पूरे वो फट जाएंगे और खराब हो जाएंगे। परंतु परमेश्वर का वचन कभी जल नहीं सकता, मर नहीं सकता, फट नहीं सकता, कीड़े लग नहीं सकते, क्योंकि वही वचन जब 2000 साल पहले उस हमारे लिए, हमारे पापों के बदले में उस क्रूस पर उसने जीवन दिया और उसे, उसने 3 दिन कब्र के अंदर रहा तो सड़ा नहीं, वो सड़ नहीं सकता, वो इटर्नल लाइफ है, वह अनंत काल का जीवन है, उसको कीड़े नहीं लग सकते, क्योंकि वो सृष्टि करता है, वो जीवन है, वो कोई धातु, वस्तु, पेपर नहीं है,
वो कोई पात्र नहीं है, वो कोई सोना चांदी नहीं, उससे बहुमूल्य परमेश्वर है, उसके उसके पास जीवन है। वही परमेश्वर आज हमारे अंदर, हम जैसे निर्धन मिट्टी के पात्रों के अंदर, बर्तनों के अंदर, वह ऐसा परमेश्वर अपने आप को रखना चाहता है। हम धन्य है, आप धन्य है कि हमें यह मौका मिला, हमें बुला बुला कर उसने हमें ये मौका दिया मेरे प्रियो, हम उस पात्र के अंदर। इसलिए धन हमारे लिए, हम जो है उन पैसों के पीछे भागना नहीं चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। हमारा धन जो बाइबल है, हमारा धन नबी का संदेश है, जिसमें से आज परमेश्वर उसके द्वारा आज उसके कलीसिया से, उसके ब्राइड से बात कर रहा है, उसके वो। इसलिए तो लौदीकिया कलीसिया को आखिरी प्रकाशित वाक्य में कह रहा है, तू कंगाल हो सकता है और कंगाल तुच्छ दरिद्री, इसलिए कहता है ताया हुआ सोना ले, ताया हुआ सोना जो पूरी तरह से वो ताया हुआ सोना उस भट्टी के अंदर परमेश्वर का वचन हमें दे रहा है। इस गली, इस युग के लोग जो ठंडे सुस और आलसी लोगों को परमेश्वर अपना वचन, अपना जीवन, अपना धन दे रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए हमें परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन हमारे लिए जीवन ला। इसलिए हम, बाइबल कहता है कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन रहे। हमारा धन हमारा शास्त्र है, हमारा धन हमारा संदेश है, हमारा धन जो है आज का संदेश है, यहां पर हमारा मन होना चाहिए, यहां पर मन, इसके अंदर मन, इसके अंदर हमारा मन होना चाहिए, तभी हम उस जीवन को प्राप्त करते, ना कि नाशमान चीजें, सड़ने वाली, ना कि जो चोरी होने वाले, जो स्वर्गीय धन कभी चुरा नहीं सकता। देखिए, कुछ लोग इस धन को खरीदना चाहते थे पैसों के द्वारा, दान दशमांश और ये, या कुछ भेंट देकर, उनको लगता है कि धार्मिकता सिर्फ भेंट देकर या कुछ चीजें करके या ऐसा करके या चर्च आकर हाथ मिलाने से। नहीं 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 प्रियो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए बाइबल कहता है, बाइबल के अंदर ऐसी घटनाएं होने की थी और होने के लिए वहां पर कोशिश हुआ था, परंतु ऐसी घटनाएं हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर परमेश्वर ने, कुछ लोगों ने ऐसा प्रयास किया था, जबकि बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि यहूना रचित, माफ करना, वो प्रेषितों के काम इसका 8 अध्याय के अंदर एक घटना घटी। उस घटना के अंदर जब पौलुस परमेश्वर से भेंट किया, उसका जीवन बदल गया। वो एक ऐसे परिवार से था, एक ऐसे माता पिता का बेटा था, शिक्षित था, उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपना जीवन परमेश्वर के लिए कुर्बान कर दिया। वही परमेश्वर, वही पौलुस को मिला, पौलुस से भेंट की, वही परमेश्वर मूसा से मिला, वही परमेश्वर आज आपसे मुझसे भेंट करना चाहते। पर तो उस समय भी कुछ लोग थे कि इस सारे परमेश्वर के दान वरदानों को, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को पैसों से खरीदना चाहते थे, पैसों से। जैसा कि आज लोग ओ रेवरेंड की, डॉक्टर की, बिशप की पदवी पैसों से खरीदना चाहते हैं, जबकि उन्होंने वो ट्रेनिंग ही नहीं लिया, जाकर उन कुछ पैसों के अंदर उसे लेना चाहते हैं। उस समय भी कुछ लोग थे जो इस चीज को करना चाहते हैं। देखिए प्रेषितों के काम 8 अध्याय और हम 18 वचन से 24 तक पढ़ेंगे। सोलह वचन से पढ़ रहा हूं, प्रेरितों के काम इसका 8 अध्याय और 16 वचन से। क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था, उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। देखिए शिमोन पत्रस और भाई लोग उसके साथ में गए, बाकी प्रेरित, और फिलिपियुस ने सामरिया और वहां की कलीसियाओं के बीच में, अन्य लोगों के बीच में सेवा की, और तब उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया, परंतु अद्यापि पवित्र आत्मा नहीं उतरा।
तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। तब शमौन ने देखा, शमौन नाम एक व्यक्ति देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपया ले जाकर रख कहा, रुपया लेकर गया पत्रस के पास, प्रेरितों के पास, कि ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखो वो पवित्र आत्मा पाए। पैसों से क्या है, पैसों से खरीदना चाहता था। इसने बपतिस्मा भी लिया, उसने जाना उस अध्याय के अंदर, आठ अध्याय के अंदर बताते उसने, लेकिन उसके अंदर उसका मन जो था वो सही नहीं था, इसलिए उसने क्या किया, उस धन से उसने देखा कि बीमार चंगे हो रहे, वो दुष्ट आत्माएं निकल जा रही है और पवित्र आत्मा बहुत अद्भुत चीजें होगी, और प्रेतों ने हाथ रखने से लोग के अंदर पवित्र आत्मा पाया जा रहा है, तो वो कहता है कि मुझे भी अधिकार दो, ये पैसा ले लो परंतु ये अधिकार मुझे भी दे दो ताकि मैं भी हाथ रखूं तो लोग पवित्र आत्मा पाए। 20 वचन दिए, पत्रस ने उससे कहा तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो जाए। अच्छा ऑफर था पत्रस के लिए, सिर्फ पैसा लेना था और उसे ये देना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि पैसा ये नाशमान चीज है। पत्रस जानता है, पत्रस अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया, वो प्रेरित उसके पीछे हो लिए, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अब वो नाशमान चीजों के पीछे नहीं जाना चाहता। परंतु ये एक व्यक्ति था जिसने बपतिस्मा तो प्रभु यीशु के नाम से लिया, फिर भी नाशमान चीजों जो उसके मन के अंदर बैठे थे, उसके हृदय के अंदर बैठे थे, वो पूरे हृदय से परमेश्वर के पास नहीं आया था, उसका जीवन वो पूरे परमेश्वर से, वो उस भूख और प्यास से नहीं आया, परंतु वो पैसों उसके मन में जो बातें थी उसने बाहर निकाली, पैसे की थैली निकाल कर उसने कहा ये पैसा आप ले लो और मुझे भी वो अधिकार दो ताकि मैं भी दूसरों पे हाथ रखूं तो लोग क्या हो, उनको भी पवित्र आत्मा मिले। लेकिन पत्रस ने लिया वो पैसे को, छुआ उस पैसों को नहीं, पत्रस ने कहा तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों में मोल लेने का विचार किया है। परमेश्वर का दान रुपयों से नहीं, परमेश्वर का दान कलीसिया में सिर्फ आके बैठने से नहीं, परमेश्वर का दान जो है केवल हाथ मिलाने से नहीं, परमेश्वर का दान सिर्फ चर्च में प्रेजेंटी रखने से नहीं, परमेश्वर का दान जब तक हम दिन रात परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रार्थना में, घुटनों में, परमेश्वर के निकट, परमेश्वर की उपस्थिति में उस असीम धन को प्राप्त करने का, उसके अनुसार जीने का, उसके अनुसार हर एक चीज करने का, और परमेश्वर को प्रथम स्थान जो हमारा धन है, हमारा सब कुछ है, दुल्हन के हृदय में आना चाहिए, दुल्हन के उस हृदय में जो कि पवित्र आत्मा आना चाहिए, पवित्र आत्मा की अभिषेक दुल्हन के ऊपर आना चाहिए, ना कि पैसों से, धन से, संपत्ति से। 22 वचन देखिए, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया। पत्रस इस बात को, आज मैं मेरे प्रिय भाई बहनों, उन भाई बहनों को मैं आह्वान करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, आज भी आप अपने मन में जो बुराई उत्पन्न हो रही है, प्रार्थना करो कि आपके मन के बुरे विचार परमेश्वर क्षमा करे। आपके पास पेंसिल भी होना चाहिए और रबर भी होना चाहिए कि आप जब भी गिरे, मैं भी जब भी गिरूं तो रफ कर सकूं, क्षमा मांग सकूं सच्चे हृदय से, व्याकुलता से, पूरे मन से हम परमेश्वर से मांग सके, हे प्रभु हमें क्षमा कर, हमसे गलती हो गई, हम स्वीकार करना चाहिए, पश्चाताप करना। पत्रस ने यहाँ पे पैसा नहीं लिया, पत्रस जानता था ये नाशमान चीज। और एक व्यक्ति था बाइबल के अंदर, 19 अध्याय के अंदर हम देखते हैं प्रेरितों के काम, और 13 वचन से हम इसे पाते हैं,
ये तो पत्रस के साथ हुआ, अब पौलुस के साथ भी देखिए 11 वचन तक, माफ करना 13 से हम थोड़ा ऊपर से पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहां तक कि रुमाल अंगोछे उसकी देह से छुलवा कर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्टात्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। परंतु कितने यहूदी जो झाड़ा की करते फिरते थे ये कहने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु के नाम का ये कहकर फूके कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। कुछ ऐसे भी यहूदी थे ये सब उल्टा काम करते थे परमेश्वर के वचन की ओर। देखिए कितना भयानक परिस्थिति उनके साथ हुआ। और 14 वचन, और सिकवा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे, बिजनेस बना लिए, ऐसे ही करते थे। पर दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया कि यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी जानती हूं, परंतु तुम कौन हो, तुमको नहीं जानती। और फिर देखिए क्या किया उस दुष्ट आत्मा ने और उस मनुष्य से, मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया। परमेश्वर का धन है, उस धन को हम प्रथम स्थान देना चाहिए। परमेश्वर का धन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का संदेश, आज का संदेश। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो धन की लालसा करते हैं। जैसा हम देखते हैं कि यहूदा की क्या स्थिति हुई, उसने उस यीशु को जो उसका उद्धार करने के लिए, सारा संसार का उद्धार करने के लिए आया, जीवन देने आया, उसे कोई 30 सिक्कों में भेजा। आज हम क्या करते हैं, हमारे समय वक्त को, हमारे जीवन को, प्राण को, हमारे सब कुछ चीजों को परमेश्वर को, जो कि परमेश्वर ने हमें दिया, उसे हम नौकरी के लिए, पैसों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने और चीजों के लिए हम समय देते, वो एक दिन नाश हो जाएगा, मैश हो जाएगा। परंतु परमेश्वर का वचन सदैव जीवित है। इसलिए बाइबल कहता है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। इसलिए आज ब्राइट का धन, आज का संदेश, आज का वचन है। इसलिए हर एक को उस वचन के अनुसार जैसा है, जिस स्थिति में, जैसा भी परमेश्वर ने हमें रखा है, उसी वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें, उसी वचन के अनुसार हम अपने आप को रखें। जिस स्थिति में हो उसी लिए उस बाइबल कहता है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। हमारा धन क्या है, बाइबल का वचन, नबी का संदेश, आज का नबी का संदेश। हमारा धन क्या है, पवित्र आत्मा जो स्वर्ग से उतरा हुआ पवित्र आत्मा। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति महिमा करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। प्रिय प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद, स्तुति, महिमा करते हैं। प्यारे खुदावन, हम आपकी जय जयकार करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु राजा, कि आज हमें और हमारे भाई बहनों को और जो प्रभु कमजोर हो चुके हैं विश्वास में, प्रभु उन सबको आशीष कर उलाहना दे। प्रभु इस लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे लोग ठंडे हो गए हैं, बहुत सारे लोग कमजोर हो चुके हैं। प्रभु यीशु दया कर, कृपा कर, सब पर रहम कर और सबको आपके हाथों में सारा गौरव, सारी महिमा, सारी स्तुति, सारी प्रशंसा, सारी जलाली आप ही को देते हैं खुदावन बापा। दया कीजिए राजा, कृपा कीजिए यीशु, करुणा कीजिए और मेरे परमेश्वर उन परिवारों को, उन भाई बहनों को, उन विश्वासियों को, उन सारे लोगों को जो आपकी ब्राइड है, उन्हें विश्वास में, वचन में, मैसेज में अधिक दृढ़ कर प्रभु।
अधिक दृढ़ कर, ताकि वे प्रभु आपका भाग बने, आपका जीवन उनके अंदर हो। इसलिए प्रभु आपका जीवन ये वचन है, आपका वचन ही धन है प्रभु। इस धन को, इस धन के अंदर हमारा मन रहने के लिए सहायता करें प्रभु। बाइबल कहता है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। प्रभु हमारा धन सोना चांदी पैसा संपत्ति घर गाड़ियां खेतियां या और चीजें वस्त्र बहुमूल्य चीजें, ये हमारा धन नहीं, हमारा धन प्रभु आपका वचन है। सहायता कर, दया कर, सारा गौरव सारी महिमा सारी स्तुति सारी जलानी सारी प्रशंसा आपके बोलते, दया कर, दया कर मेरे प्रभु, दया कर हम पर, रहम कर हम सबको आपके हाथों में प्रभु। उन जैसे ओ लोगों के समान सिकवा या उस सिमोन के जैसा हमारी हालत ना होने दे प्रभु। हम प्रभु यहूदा इस्करियोत के जैसा नहीं होना चाहते, हम न बालाम के जैसा हमारे अंदर स्वभाव हो, न हमें लूत की पत्नी के जैसा हमारा जीवन हो, केवल आपके ब्राइड के समान, आपके संतों के समान प्रभु। आज के लिए इस युग के अंदर ओ प्रभु, आज का भविष्य विलियम मेरियम ब्रैनम ये उत्तम ब्राइड का नमूना है प्रभु, दुल्हन का एक बेहतर नमूना, ऐसा हमें बनने के लिए सहायता कर। सारा गौरव महिमा स्तुति जलाली आप ही को देती है, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगता हूँ, सुनो कबूल कीजिए, आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबको बहुत बहुत आशीष करें। और मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की महिमा स्तुति हो, जय जयकार हो कि आज के समय के अंदर, आज के वक्त के अंदर, इस लॉकडाउन के अंदर अनेक भाई बहन मतलब जो है प्रार्थना की कमी के कारण, मैसेज की कमी के कारण, फेलोशिप की कमी के कारण, या बहुत सारे भाई बहन तो अभी तो फोन या कांटेक्ट में भी मतलब आना मुश्किल होंगे, प्लीज वे भी अपने आप को परमेश्वर के लिए समय दे, प्रार्थना करे, वचन के अंदर मजबूत करे, और ये असीम धन जो स्वर्ग से आया है उसके लिए वे प्रार्थना करे, उसके लिए वे उस धन के पीछे भागे, उस धन के लिए कोशिश करे, यही मैं प्रार्थना विनती करता हूँ। तो हम सबको बहुत बहुत आशीष करें।